वेलकम एवरी वन आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो भी एब्सोल्यूटली फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम के okay बच्चों तो हो जाओ तैयार आज हम करने वाले हैं सॉल्व एनसीआर के ग्रेड ट्वेल्व का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन और उसमें हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज वन की क्वेश्चन नंबर टू सो सो जस्ट गेट रेडी योर पेन एंड पेपर दैट वी ऑल कैन सॉल्व ओके बच्चों तो चलो हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज वन की क्वेश्चन नंबर टू में हमें करना क्या है ओके शो दैट द रिलेशन आर फाइन इन दैट आर ऑफ द रियल नंबर्स फाइंड डिफाइंड एज दिस इज नाइ द रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ओके सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है जो डिफाइंड है इस तरीके से जिसके अंदर हमने लिखा है ए कमा बी सच दैट ए इज लेस दैन इक्व टू बी स्क्वायर और यहाँ ए और बी क्या है ए बी बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर सेट आर को जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है क्लियर और आपको पता है कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं यस yes. सिर्फ इमेजनरी नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर रियल में हैं आपके पास वो सारे आते हैं इसके अंदर राइट right? तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना उसके पहले आपको याद तो है हमने कैसे किया था रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव यस yes, हमने क्वेश्चन नंबर वन में लास्ट वीडियो में कर रखा है कि हाउ टू चेक रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी एज वेल एज ट्रांजिटिविटी ठीक है बट आपके लिए मैं एक छोटे से कोने में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट so, आप समझ जाओ क्लियर

ए कमा ए टाइप की चीज़ें हो दैट मीन्स ये जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और इफ़ ए कमा ए बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स ए इज़ रिलेटेड टू आर मतलब खुद का जब वो रिफ्लेक्शन उसके अंदर होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दैट कैपिटल आर सी वो भी आर है इसलिए मैंने उसको बोल्ड भी लिखा है जस्ट लाइक हियर क्योंकि यहाँ पे भी इसने दिखाया है कि जो रियल नंबर का सेट है उसको हमने बोल्ड करके रखा हुआ है ठीक है तो दैट मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट क्लियर अब हम जब हम सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा इफ ए बी इज देयर इन द रिलेशन तो बी ए भी होना चाहिए इन दैट रिलेशन तभी हम कहते हैं कि वो सीमेट्रिक है रिलेशन हमारा फाइन अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं देखो बच्चों बहुत बार कन्फ्यूजन होती है क्या होता है समटाइम्स आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह पे आपने देखा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है चेक किया और डायरेक्टली बोल दिया नहीं है बट एक्चुअल में ट्रांजिटिव होता है तो उसके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट याद रखोगे सिंपल सा फंडा याद रखो कि जब जब कभी भी हमारे पास ए बी है एक रिलेशन के अंदर और बी सी भी है रिलेशन के अंदर ठीक है जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं देन ओनली वी हैव टू चेक कि ए सी उस रिलेशन में है या नहीं इफ दिस टू conditions आर ट्रू देन ओनली वी हैव टू चेक कि ये वाला जो कंडीशन है ए सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन आर और नॉट अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है बट अगर ऐसा है तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव है ठीक है तो मैं इसको उल्टा आपको समझाऊंगी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आर यू गेटिंग इट मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे उल्टा करके लिखा है सो so दैट आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो ये जो रिलेशन है देन रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव बस इसी एक केस में रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है समटाइम्स आप देखोगे की कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ए बी होता है उस पर्टिकुलर रिलेशन आर के अंदर बट वहाँ पे बी वाली कोई टर्म ही नहीं स्टार्ट होती तो वैसे कंडीशन में हम कह देते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग क्या है इसका मतलब जब भी ए बी है और वहाँ पे बी सी प्रेजेंट ही नहीं है तो इट इज़ नॉट देयर अगर वो कंडीशन ही नहीं है तो वी के नॉट चेक और वी वी विल से जो ए बी है वो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर गई है राइट तो जब भी ये कंडीशन नहीं होगा तभी हम बोलेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव इट इज नॉट ट्रांजिटिव बट जब भी ये कंडीशन नहीं है वहां ए बी और बी सी अगर नहीं है तो वी कैन नॉट से कि दैट इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज जो हमारा आर है वो डिफाइंड ही नहीं है बी एंड सी के लिए ठीक है तो ए एंड सी चेक करने की बात ही नहीं होगी वहाँ आर यू गेटिंग इट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऑलवेज रिमेंबर हम कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी है या नहीं है इसमें और उसके लिए हम चेक करेंगे इफ ए बी इज देयर बी सी इज देयर देन ओनली वी हैव टू चेक ए एंड सी इफ ए बी इज देयर बट बी सी इज नॉट देयर इफ सपोज बी सी इज देयर बट ए बी इज नॉट देयर राइट गॉट द आइडिया वेरी नाइस चलो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ कि कैसे सॉल्व करना है तो पहला है हमारा की रिलेशन आर अब आर क्या दिया हुआ है आर इक्वल्स टू चेक करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है रिफ्लेक्सीबिटी चेक करनी है ओके

ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर ये सही है या नहीं है बताओ मुझे जब भी हम ऐसा बोलेंगे कि वेदर ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो है वो कर, करेक्ट है या नहीं तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि वन के लिए तो ये सही है क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन होता है सही है ठीक है मैं बोलूँगी हाँ वन वन के लिए ये सही हो जाएगा ओके आप बोलोगे कि अगर हम चेक करें टू के लिए तो इसके लिए भी सही है वेरी गुड टू के लिए भी सही है बिकॉज टू एंड टू का स्क्वायर होता है फोर और टू हमेशा फोर से छोटा होता है परफेक्ट आप बोलोगे ये ट्वेंटी फाइव के लिए भी सही है एंड सो ऑन वेरी गुड बट बच्चों आप जो चेक कर रहे हो वो सिर्फ आप चेक कर रहे हो किसके लिए नेचुरल नंबर के लिए चलो ठीक है आपने बोला ओके चलो मैं नेगेटिव नंबर के लिए चेक करता हूँ तो आपने चेक कर लिया माइनस के लिए तो क्या ये करेक्ट है माइनस का स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है वन तो आप बोलोगे क्या कि हाँ ये भी इस कंडीशन में भी सही है ठीक है नेगेटिव इसके लिए भी हाँ उसके लिए भी सही है सबके लिए सही है जीरो के लिए चेक कर लेते हैं जीरो के लिए भी सही हो रहा है ये जीरो के वहाँ जीरो होगा इस रिलेशन में बट आप इतना चेक करके बोलोगे इतना चेक कर लिया तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नॉट दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव और वो आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है अगर ये शो नहीं करना होता तो बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया होता है कि हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव है बट सी नाइदर रिफ्लेक्सिव दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है हमें इसे प्रूव करना है दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा एटलीस्ट एक भी ऐसा पेयर सोचना होगा जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज क्या है डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव का जब हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट के सबके ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पे डबलेट के फॉर्म में होने चाहिए डबलेट का फॉर्म मतलब आइडेंटिटी रिलेशन रहना चाहिए दैट मीन्स ए का ए के साथ बी का बी के साथ सी का सी के साथ एंड सो ऑन गॉट द आइडिया तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें कुछ तो सोचना होगा कि किसके लिए ये ट्रू नहीं है अब आप सोचो कि हमारे पास रियल नंबर है अभी तक आपने जो लिया इंटीजर ले लिया होल नंबर्स ले लिया देन हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर सबको चेक कर लिया सबके लिए करेक्ट है कुछ और नंबर जो आप मिस कर रहे हो सोचो यस फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर राइट तो इसका क्या मतलब होगा अगर कोई भी नंबर जो एक से कोई भी छोटा ले लो ठीक है अगर हमने ले लिया यहाँ पे वन बाई टू या ले लिया हमने वन बाय थ्री ठीक है आ इधर वन बाई टू ले लिया या वन बाई थ्री ले लिया अब बताओ मुझे कि क्या वन बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू वन बाई फोर क्योंकि वन बाई टू का क्या होता है स्क्वायर वन बाय फोर कोर्स नॉट ये वाला ज्यादा छोटा है राइट right? अब सिमिलरली वन बाय थ्री क्या वन बाय थ्री के स्क्वायर से दैट मीन्स वन बाय नाइन से छोटा है आप बोलोगे नहीं ना ही ये इक्वल है ना ही है, है. That means ये छोटा है दैट मीन्स ये आइडेंटिटी भी हमारी गलत हो गई यहाँ पे करेक्ट तो दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन और इस तरह के बहुत सारे कंडीशन हमारे पास है जिस कंडीशन में ये पर्टिकुलर रिलेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है जैसे ही हमारे पास एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर आ जाता है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसका क्या मतलब है क्लियर इसका मतलब है दिस शोज दैट यहाँ पे ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर हीयर आर यू गेटिंग दिस क्यू मैंने लिखा फॉर ऑल बिकॉज ये सारे के लिए होना चाहिए पॉसिबल बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है तो दैट्स वाई वी विल से ए कमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर दैट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू आर विद दैट पर्टिकुलर रिलेशन देर फॉर ये क्या हो जाएगा रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव आ गई बात सबको समझ वेरी गुड अब हम चलते हैं कौन से कंडीशन को चेक करने के लिए अब चलते हैं हम चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी क्लियर ओके तो आपको पता है मैं कैसे लिखती हूँ सिमेट्रिसिटी के लिए यू लिख देती हूँ अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी के लिए ठीक है अब सिमेट्रिसिटी में हमें क्या करना है आपको पता है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए राइट तो चलो ये कंडीशन चेक करें इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर वेरी गुड क्लियर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आपको पता है कि रियल नंबर ठीक है मैं बार बार उसको नहीं रिपीट करूंगी क्योंकि आपको पता है कि ये जो सेट है वो डिफाइंड ही है रियल नंबर्स के लिए ओके okay. अब हम चेक करना है हमें कि बी ए इसके अंदर होगा या नहीं होगा ओके okay. तो आप बोलोगे कि वन जो है अगर मैंने इसको वन एंड टू ले लिया ठीक है चलो यहाँ पे चेक करते हैं वन अगर टू ले लिया तो वन टू ये रिलेशन फुलफिल कर रहा है या नहीं चेक करो वन है तो वन कोर्स लेस देन इक्व टू टू स्क्वायर होता है जो कि फोर है हमारा ठीक है जो कि फोर है दैट मीन का मतलब है वन लेस देन इक्व टू फोर करेक्ट है ये अगर हमने टू वन लिया तो आप मुझे बताओ कि ये करेक्ट है या नहीं है टू इज इज टू लेस देन इक्व टू वन स्क्वायर बताओ अगर हमने इसमें वन टू लिया है अगर कोई भी ऐसा वन टू ले लिया है जो बिलोंग करता है आर को आप बताओ वन टू ले सकते हैं ना क्योंकि वन टू भी रियल नंबर है यस yes. तो वन टू बिलोंग्स टू आर ले लिया तो ऑफकोर्स वन इज लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर है हमारे पास बिकॉज टू स्क्वायर इज फोर वन हमारा छोटा होता है ओके okay. बट अगर हमने उल्टा कर दिया टू कमा वन तो इज इट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है बिल्कुल भी नहीं राइट बिकॉज टू इज नॉट लेस देन इक्व टू वन स्क्वायर बिकॉज टू इज नॉट लेस देन इक्व टू वन राइट ये सबको पता है ये बात तो क्या हो जाएगा फॉर वन टू बिलोंग्स टू आर टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो अगर एक भी हमारे पास ऐसा कंडीशन आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि उसके बाद हमें चेक करना ही नहीं है और हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दे आर फोर हियर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बट बी कमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस आर कैपिटल दिस बोल्ड आर ये क्या है हमारा रिलेशन ये यहाँ पे रिलेशन है और ये है हमारा सेट क्लियर गोड द आइडिया तो दैट्स हम क्या बोलेंगे देयर फॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक डन ये हमने सिमेट्रिक वाला भी कर लिया तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक तक हमने कर लिया है सॉल्व अब हमें सॉल्व करना है किसको ट्रांजिटिविटी को ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे मैं लिख देती हूँ यहाँ कि वी आर गोइंग टू चेक नाउ ट्रांजिटिविटी ठीक है अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं आपको पता है कि हम चेक करेंगे कब ट्रांजिटिविटी ट्रांसिटिविटी वो नहीं करता है जब ए बी है और बी सी भी है उस रिलेशन में बट ए सी नहीं है तो लेट्स ए कम बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कम सी बिलोंग्स टू आर हमारे पास क्या कंडीशंस हो जाएंगी ए विल बी लेस देन इक्व टू बी स्क्वायर एंड बी विल बी लेस देन इक्वस टू सी स्क्वायर ठीक है अब आप बोलोगे बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है अगर ए बी स्क्वायर से छोटा होगा तो ऑब्वियसली बी भी जो है सी स्क्वायर से छोटा हो रहा है तो ए जो है वो तो बी से छोटा है तो फिर सी से भी छोटा होगा तो सी स्क्वायर से छोटा होगा नहीं ये ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हम किस की बात कर रहे हैं हम सारे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं और उस रियल नंबर्स में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ रहे हैं ओके okay? और आपने देखा है कि ऑल कंडीशंस में हमारे पास ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं होता राइट right? तो दैट्स सॉय हमें बहुत केयरफुली यहाँ चेक करना होगा एटलीस्ट एक भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आप चेक कर लो जिसके लिए ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो लेट्स सी कैसे हम चेक करेंगे अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लो कि हमने ले लिया है हाँ फाइव ठीक है थ्री एंड टू सपोज फाइव थ्री टू को हमने एग्जाम्पल लिया ओके तो दैट मीन्स अगर हमारे पास दैट मींस ए जो F, है वो फाइव है बी है वो थ्री है और सी है टू है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर सी यहाँ पे क्या है फाइव कमर थ्री अगर ये हो गया हमारा ए बी फाइव कमर थ्री बिलोंग्स टू आर चेक करो पहले ये बिलोंग्स टू आर और नॉट कैसे चेक करेंगे सिंस फाइव इज लेस देन इक्व टू थ्री स्क्वायर दैट इज नाइन करेक्ट ये सही है फॉर फाइव थ्री बिलोंग्स टू आर वी हैव फाइव इज लेस देन इक्व टू नाइन एंड थ्री कम आट टू बिलोंग्स टू आर इसका क्या मतलब है थ्री विल बी लेस देन इक्व टू टू स्क्वायर दैट इज फोर दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं ये इस रिलेशन आर को बिलोंग करता है क्लियर अब हम चेक करते हैं कि वेदर दिस ए एंड दिस सी यहाँ पे ए बी बी सी यही है तो ए एन सी क्या हो जाएगा फाइव टू फाइव टू वेदर दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर और नॉट मैंने यहाँ अभी स्पेस छोड़ रखा है जो कि मैं फिल करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए फाइव शुड बी लेस देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर और क्या होता है दिस शोज फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू फोर बट इज इट ट्रू कोर्स नॉट तो हम क्या बोलेंगे इट इज नॉट ट्रू तो ये हो गया हमारा नॉट ट्रू देयर फॉर दिस इज यहाँ हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर तो जैसे ही ये हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम क्या कह देते हैं देयर फॉर दिस शोज और दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव इज इट क्लियर एवरी वन समझ में आ गया पूरा का पूरा तो क्या कहना था हमें क्वेश्चन में कि इट इज ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव इट ट्रांजिटिव तो और हमने देखा भी कि क्या हो रहा है इट इज़ नाइर रिफ्लेक्सिव नॉ सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव क्लियर तो दैट मीन्स हमने देख लिया यहाँ पे कि कैसे प्रूव करना है और अब ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा यूज करना है हमें इस चैप्टर में और आप अच्छे से समझ लो कि क्या करना है और कैसे करना है क्लियर तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन तो अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर थ्री और इसमें देखते हैं क्या करना है चेक वेदर द रिलेशन आर ओके हमारे पास एक सेट है 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 जिसमें सिर्फ हैं और वो अब पे है इस तरीके से और transitive अब हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव symmetric एंड transitive ठीक है तो आपके पास पूरा मौका है गलती करने का बट आपको गलती नहीं करनी है आपको पूरा श्योर होना है कि जो आप लिखने जा रहे हो वो पूरा का पूरा करेक्ट है ठीक है अगर आप अच्छे से फंडा समझ चुके हो तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे तो लेट्स सी कि हम कैसे चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक और ट्रांजेटिव और नॉट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमने यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो उसके पहले हम क्या करेंगे लेट्स अज्यूम द गि सेट इज़ ए तो हमारे पास लिखने में इजी हो जाएगा ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए बार बार लिखना नहीं पड़ेगा तो लिख दिया वन टू ठीक है ए इज गिवन गिवन अब क्या क्या दिया हुआ है given R क्या है आर हमारे पास द रिलेशन ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन ओके हमारे पास ये कंडीशन दे दिया गया है कि आर जो है वो रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है ओके okay? अब हमें बस चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम यहाँ चेक करेंगे कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट तो मैंने यहाँ लिख दिया रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर रहे हैं ओके और सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है ए कमा ए तो हम चेक करेंगे कि वेदर ए कमा ए जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं ठीक है तो क्या होगा सिंस ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन वाई आई रिटन दिस क्योंकि अगर हमें कोई भी रिलेशन ऐसा बनाते हैं ए कमा ए क्योंकि वही होना चाहिए कंडीशन हमारे लिए रिफ्लेक्शन के लिए ठीक है रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास यही वाला टर्म होना चाहिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उस रिलेशन में बट अगर ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होता है तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ऑफकोर्स नॉट क्योंकि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन तो जैसे ही ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन हुआ तो इसका क्या मतलब हो गया देअ फोर ए कमा ए कैन नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर क्लियर देर R रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा ये सॉल्व कितना ईजी था ना दो तीन स्टेप में ही आंसर खत्म फालतू में सोच रहे थे कि इतना टफ नहीं होता ये क्वेश्चन क्लियर अब चलो हम चेक करेंगे सिमेट्रिक तो हमने सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए यहाँ स्टार्ट कर दिया ठीक है अब इसमें क्या करना है इफ ए बी इज देयर देन बी ए शुड आल्सो बी देयर ठीक है इफ चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी है वहां पे ओके इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस शोज ओके इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस शोज क्या है हमारे पास कंडीशन बी इक्वल्स टू ए प्लस वन ओके सो ए प्लस वन इज गिवन दिस शोज अब हम ए को अगर निकालना चाहे तो क्या होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से बी माइनस वन एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस वन क्यों मैंने ऐसा लिखा ये तो सबको पता है कि हाँ ये नहीं हो सकता इक्वल क्योंकि माइनस है यहाँ पे बिकॉज हमें यही कंडीशन चाहिए किसके लिए इसके लिए b कमा ए के लिए अगर a भी है तो क्या होना चाहिए था b a भी होना चाहिए था उस रिलेशन में कि वहाँ मौजूद होना चाहिए अगर ये मौजूद होगा तो दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था यहाँ पे बी की जगह पे ए इक्वल टू होना चाहिए था बी प्लस वन जो कि पॉसिबल नहीं है तो जैसे ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इट डज़ नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर और जैसे ही बोल दिया कि डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर तो क्या समझ में आया देयर फॉर रिलेशन आर इज यस आप बताओ मुझे नॉट

एंड बी सी भी है उसके अंदर आर के अंदर ठीक है हमने ऐसा कंसिडर कर लिया है क्योंकि देखो पॉसिबल हो ही सकता है हमारे पास जो सेट डिफाइंड है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो क्या हम उसमें ऐसा लिख नहीं सकते वन कमा टू ऐसा लिख सकते हैं ना वन कमा टू और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट टू कमा थ्री लिख सकते हैं ना तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ए बी बी क्या है एक से बड़ा है एक जस्ट एक नंबर से बड़ा तो क्या हो गया थ्री इक्वल टू टू प्लस वन दोनों तो कंडीशन फुलफिल हो रही है है? अब आप डायरेक्टली बोलोगे मैम बट ये नहीं कंडीशन फुलफिल करेगा ए सी का मुझे पता चल गया ट्रांजिटिव है वेरी गुड ऐसे ही हमें पता चलना चाहिए राइट right? तो वही हम चेक करेंगे जनरलाइज कंडीशन में क्लियर मैं क्यों उसका आपको ऐसे नहीं बता रही बिकॉज देखो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो राइट right? बट जब भी हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है हमें एग्जाम्पल्स लेके दिखाना होता है दिखाना होता है जो कंडीशन दिया हुआ है उसको, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्या करेंगे अब? तो पे है हमारे पास this. This shows, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई यहाँ पे ए इज लेस इक्वल्स टू बी सॉरी हेयर इट इज वेट ओके तो हमारे पास क्या कंडीशन है यहाँ पे इक्वल्स टू इक्वल्स टू फाइन तो हमारे पास क्या है यहाँ पे जैसे ही ए बी बिलोंग्स टू आर होता है तो क्या हो जाता है बी इक्वल्स टू ए प्लस वन करेक्ट एंड जैसे ही बी सी बिलोंग्स टू आर होता है तो क्या हो जाता है सी इक्वल्स टू बी प्लस वन ठीक है ये इक्वल साइन है ओके इक्वल्स टू बी प्लस वन तो दिस शोज कि अगर हम ए और सी में कंडीशन निकालना चाहे तो क्या होगा चलो यहाँ पे सी है ना मैंने सी को लिख दिया बी प्लस वन और बी की जगह पे क्या है बी प्लस वन है तो b की जगह ए प्लस वन लिख सकते हैं ये वाली चीज तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस वन प्लस वन तो क्या हो गया हमारा ए प्लस टू राइट हमने पाया यहाँ पे कि सी इक्वल टू ए प्लस टू हो रहा है राइट right? बट हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए थी दैट इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस वन दे फोर ए कमर सी कैन नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर डन hence what we can say the relation r is not correct transitive to hame milga it is not transitive so jaseh hame milaki this is not transitive to kahogamalpas answer that the given relation r is neither reflexive nor symmetric nor transitive Done? very good ओके okay, बच्चे तो अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर फोर अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है शो दैट द रिलेशन आर इन आर अगेन यहाँ पे वो वाला आर है जिसको हमने बोल्ड लेटर से दिखाया है और इसका मतलब क्या है कि ये है हमारा रियल नंबर्स ठीक है डिफाइंड एज अब देखो बार बार हमारे पास लिखा हुआ नहीं रहेगा कि जो बोल्ड लेटर आर है वो रियल नंबर है या कुछ और है आपको समझना होगा कि जब भी आर में है ये रिलेशन के साथ आर जो कैपिटल जस्ट बोल्ड में लिखा है तो दैट इज़ हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स ओके डिफाइंड एज आर अब ये आर ये मत समझ लेना कि ये वाला है दिस इज़ द रियल नंबर सेट और दिस इज द रिलेशन और इस रिलेशन को हमने डिफाइन करा है इस तरीके से ठीक है ए कम अबी सच दैट ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी ओके एज रिफ्लैक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सीमेट्रिक ठीक है तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है आप गलती नहीं कर सकते आपको बस प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट सीमेट्रिक नहीं है ओके okay. सो so, चलो स्टार्ट करें आप लोग सॉल्व तो कर रहे हो ना पेन एंड पेपर को ऐसे ही मत रखो चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना अब तो आप समझ गया हो कैसे हमें चेक करना है ओके okay. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ रिलेशन r को क्या दिस इज द रिलेशन r इक्वल्स टू a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b ओके okay. ये हमारे पास गिवन है ठीक okay. है अब हमें करना क्या है अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी भी को पहले सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं ठीक है तो लेट्स चेक रिफ्लेक्सिविटी इसके लिए क्या होना चाहिए ए कमा ए शुड बी देयर इन द रिलेशन अब चेक करो ए वेदर ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए और नॉट हियर इट शोज ए इक्वल्स टू ए ये हमें पता है लेस देन इक्वल टू आप बोलोगे लेस तो नहीं है इक्वल है इसका मतलब ही है कि लेस देन और इक्वल टू ये कभी नहीं कह रहा कि लेस देन एंड इक्वल तो कभी होगा ही नहीं वो हमेशा जब भी हमारे पास इक्वलिटी साइन होती है तो डोंट बी कन्फ्यूज कि एंड नहीं है वहाँ ये और होता है तो जैसे ही हमारे पास और आया तो क्या हो गया ये हमें पता है कि येस दिस इज़ ट्रू ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए तो जैसे ही ये रिलेशन हमारा फुलफिल होता है वॉट वी कैन से दिस शोज दैट ए कमा ए बिलोंग टू दिस रिलेशन आर और जैसे ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या बोल देंगे Therefore, yes, R is reflexive. ये हो गया हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव अब हम चेक करेंगे सीमेट्रिक ओके okay, तो हमें क्या करना है अब रिफ्लेक्सिव के बाद हमें चेक करना है सीमेट्रिक और इसमें क्या करना होता है इफ ए कमर बी बिलोंग्स टू आर तो हमारे पास बी कमा ए शुड ऑल्सो भी देयर इन द आर ठीक है रिलेशन में अब देखो यहाँ पे जब ए कमा बी बिलोंग्स टू आर अगर सपोज हमने रखा है कि वहाँ पे है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ए इज लेस देन इक्वस टू बी करेक्ट जैसे ही ए लेस देन इक्व टू बी हो गया तो अगर हम बी को पहले लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन इक्व टू ए तो बी अगर ग्रेटर देन इक्वस टू ए हो गया तो आप बताओ मुझे कि बी कमा ए विल बिलोंग टू रिलेशन आर और नॉट चेक करो इसको ये करेक्ट लिखा है या रॉन्ग लिखा है ऑफ कोर्स क्या होगा जैसे ही हमने बी कमा ए लिख दिया तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए बी शुड बी हियर लेस देन इक्व टू ए तो दिस शोज बी कैन नॉट बी लेस देन इक्व टू ए क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि बी इज ग्रेटर देन इक्व टू ए तो जैसे ही ग्रेटर देन है तो दो दो इक्वालिटी तो एक साथ नहीं सॉल्व कर सकता वो वो नहीं फुलफिल कर सकता तो जैसे ये कंडीशन हमारी वॉलेट होती है तो क्या हो गया दिस विल नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन आर और जैसे ये कंडीशन आता है तो हम क्या कहते हैं देर फॉर आर इज परफेक्ट नॉट इज नॉट सिमेट्रिक डन वेरी गुड तो ये वाला हमारा चेक हो गया अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा था क्या हम वैसे ही बढ़ रहे हैं इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो हो गया है करेक्ट हमने प्रूव कर दिया है इट इज नॉट सिमेट्रिक ये भी प्रूव हो गया अब बचा कौन सा तीसरा भाई वो कौन है ट्रांसिटिव तो चलो चेक करते हैं ट्रांसिटिविटी को अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी को अब ट्रांसिटिविटी में हमें क्या करना है ए बी होना चाहिए बी सी होना चाहिए तो होना चाहिए हमारे पास ए सी चलो चेक करें इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड B कम C belongs to relation R, then it shows क्या मतलब है इसका यहाँ पे कि जो A है less than equals to B है एंड B जो है वो less than equals to C है डन अब बताओ मुझे अगर A जो है वो B का छोटा भाई है और B जो है वो C का छोटा भाई है तो A जो है क्या वो A का छोटा C का छोटा भाई होगा या उससे बड़ा होगा क्या बोलोगे आप ऑफ कोर्स वो भी छोटा भाई होगा राइट right? यहाँ पे अगर हम ब्रदरहुड की बात करें तो अगर ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो ऑफ कोर्स दिस ए विल आल्सो बी छोटा देन सी तो हम क्या लिखेंगे ए लेस देन इक्वल्स टू सी देयरफॉर फोर ही ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रिलेशन हैप्पी हो जाता है और हमारे पास आ जाती है बातें इस तरह की कि ए सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर और जैसे ये ट्रू होता है देन वी कैन से दैट द रिलेशन आर इज करेक्ट ट्रांजिटिव तो हो गया हमारा कंडीशन सॉल्व ये प्रूव हो गया अब हम लास्ट वाला लाइन अच्छे से यहां पे लिख दो लास्ट वाला लाइन क्या लिखेंगे हम हैंस वी कैन से दैट ओके okay, क्या कहना है हमें ये लास्ट वाला लाइन अगर आप लिख दोगे तो आपके एक क्या आधे मार्क्स भी कट नहीं होंगे देखो जब क्वेश्चन में बोला गया है उसने अपने, अपने यहां पे उसको प्रूव कर दिया दैट्स ऑल दिस इज योर क्वेश्चन एंड द आंसर डन सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव और देखते हैं इसमें क्या करना है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर अगेन द सेम थिंग अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है आपको पता है कि दिस इज रियल नंबर सेट और ये है हमारा रिलेशन डिफाइंड बाय ओके हमने यहाँ डिफाइन किया है आर को यू ए बी सच दैट ए इज लेस दैन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन बातें ही हैं जो हमें हमेशा यहाँ पर याद रखनी है कि इन तीनों में चेक करना है कि वो रिलेशन क्या है तो चलो चेक करें Fine. तो क्या गिवेन है हमारे पास R, relation, और उसका definition क्या दिया हुआ है यहां पे A, B, ये जो है हमारा ordered pair है ठीक है ठीक है लेस देन इक्व टू बी क्यूब ये हमारे पास गिवन है अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ ठीक है तो क्या करें इसमें एक मा ए चेक करना है अब मुझे बताओ आप कि ए कमा ए क्या इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है फिर से याद रखना ये वाले इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं जहाँ पे a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर था तो आपके दिमाग में ये तो सेट हो गया होगा कि हमेशा हमें नंबर्स को जो है पॉजिटिव नंबर या फिर जो इंटीजर्स हैं उन्हीं को नहीं लेना है हमें फ्रैक्शनल वाले नंबर को भी चेक करना होता है जब भी हम बात करते हैं रियल नंबर्स की तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की दैट मीन्स आपके दिमाग में सारे तरह के नंबर आने चाहिए नॉट ओनली नेचुरल नंबर और इंटीजर क्लियर तो हमें फ्रैक्शनल नंबर को भी सोचना है तो यहाँ पे देखो एक एक की जगह पे यहाँ पे एक के साथ बी क्यूब है बी क्यूब है तो एक आपके पास क्या एडवांटेज है कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स को लोगे तब भी आपका काम करेगा राइट right? लास्ट वाले कंडीशन में हमारे पास था जब भी नेगेटिव लेते थे तो स्क्वायर उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव भी हो जाता था तो हमारी बात नहीं बन रही थी अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है बी क्यूब है क्यूब है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम नंबर्स को नेगेटिव में लेंगे तो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है चलो स्टार्ट करें हिया फॉर ए कमा ए बिलोंग्स टू आर क्या होना चाहिए हमारे पास ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब बट आप चेक करो कि क्या ये कंडीशन हमारा फुलफिल करता है सारे के लिए सपोज लेट्स रेज्यूम फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने ले लिया ठीक है माइनस वन तो माइनस वन में आप बोलोगे कि मैम ये हमारा फुलफिल कर रहा है क्यों क्योंकि माइनस वन है यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस वन है माइनस वन का क्यूब जो होता है वो माइनस वन ही होता है वेरी गुड ये होता है मैं भी समझ गई ये होगा बट आप बताओ मुझे अगर मैंने माइनस टू और माइनस टू लिया तो क्या ये फुलफिल करेगा माइनस टू और माइनस टू का क्यूब क्या होता है वो होता है हमारे पास माइनस एट अब बताओ मुझे कि माइनस टू और यहाँ पे अगर हो गया हमारे पास माइनस एट तो क्या ये माइनस एट जो है वो माइनस टू से छोटा है या बड़ा है ऑफ कोर्स क्या है ये छोटा है बट इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं हम कि ये जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए तो ना ही ये इक्वल है और ना ही लेस है जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं अगर जीरो यहाँ पे है तो माइनस एट यहाँ होगा और माइनस टू यहीं पे होगा कहीं भी राइट right? तो हम क्या देख रहे हैं कि माइनस एट जो है वो हमेशा छोटा है माइनस टू से राइट right? तो अगर माइनस एट छोटा है तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही है तो हम देख सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर्स के लिए अगर दो अदर देन वन लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है आप और भी नंबर चेक कर सकते हो बट मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी कोई एक भी ऐसा हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाता है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम वहीं पर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्लियर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो एक्व टू माइनस टू This shows that minus 2, comma minus 2 does not belongs to relation R because minus 2 is not less than equals to minus 8. ठीके? Therefore, a comma a does not belong to this relation R. Clear? Wala aapko bas ke likha tha. Fine. If you will not write then also fine. तो आपको मेनली यहां से लिखना है क्लियर दिस शोज पे क्या हो गया हमारा इसका मतलब इसका मतलब है कि रिलेशन आर इज नॉट वेरी गुड रिफ्लेक्सिव फाइन तो हमने पहला वाला कंडीशन कर लिया यहाँ पे सॉल्व अब करते हैं हम दूसरा कंडीशन सॉल्व जो कि है हमारा सिमेट्रिक Symetric के लिए क्या करना होता है हमें ए बी बी ए ठीक है अब चेक करते हैं ए बी एंड बी ए फॉर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब तो ये है हमारे पास कंडीशन अब अगर a इज़ लेस देन इक्व टू बी क्यूब तो हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा बी ए है दिस शोज़ कि बी ए हमारा रिलेशन में होना चाहिए तो अगर जैसे ही बी ए हमने रिलेशन में बोला तो इसका क्या मतलब आ रहा है इसका मतलब आता है कि बी शुड बी लेस देन इक्व टू ए क्यूब ठीक है तो आप चेक करो कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लो क्या ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे बोला कि इसको हमने लिया है वन और इसको लिया है टू ठीक है मान लो कि हमने वन टू लिया ओके okay. तो वन का क्या होता है यहाँ पे वन जो है हमेशा लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब होगा ही क्योंकि ये एट हो गया हमारा ठीक है टू क्यूब है ए बी अगर लिया है ए वन है और ये टू है तो क्या हो जाएगा ये है वन और ये है टू क्यूब तो एट कोर्स ये करेक्ट है ठीक है अब अगर टू वन हमें सिमेट्रिसिटी के लिए टू वन ही चेक करना होगा चलो टू वन चेक करते हैं तो टू वन में क्या होता है टू जो है क्या है? ये लेस देन इक्वल्स टू वन क्यूब है वन क्यूब क्या होता है हमारे पास वन और ये टू जो है क्या वो वन से छोटा है ऑफ कोर्स नॉट तो देखो कितना तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हमें समझ में आ गया राइट तो दैट मीन बी कमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एग्जाम्पल वन टू बिलोंग्स टू आर बट टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज बी इज नॉट लेस देन equals to a cube, राइट फॉर ऑल रियल नंबर्स सबके लिए ये ट्रू नहीं है अगर एक भी कंडीशन हमारा ऐसा आ गया जिसके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कहते हैं देयर फॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक डन फाइन अब हमारे पास तीसरा क्या कंडीशन आता है तीसरा कंडीशन आता है चेक करने को ट्रांजिटिविटी अब चेक करेंगे वेदर इट इज और नॉट ओके तो फिर क्या करना है ए बी बी सी और यहां पे होना चाहिए ए सी लेट सी फॉर ए कम बिलोंग्स टू आर एंड बी कम सी बिलोंग्स टू आर वॉट वी हैव द कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब एंड b लेस देन इक्वल टू c क्यूब ये हमारे पास गिवन ठीक है जैसे ये हमारे पास गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें फुलफिल करना है कि वेदर a विल बी लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब और नॉट यही है ना हमारे पास कंडीशन a b अगर है रिलेशन में b c है तो दैट मीन्स a c भी होना चाहिए रिलेशन में और ए सी को रिलेशन में होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कंडीशन ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब तो आप चेक करना है ये मैंने ऐसा लिखा नहीं है इसको अभी हमें चेक करना है चेक ठीक है तो चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो ठीक है ऐसे तो आपको समझ में आप बोलोगे कि हाँ भाई ए जो है जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था तो ऐसे ऐसे है तो ये होना चाहिए छोटा बट इट इज नॉट ट्रू नेगेटिव भी है फ्रैक्शंस भी हैं तो कोई एक ले लो ऐसा नंबर जिसके लिए ये सही है या नहीं हम चेक करें तो क्या ले सकते हैं अगर हमने ले लिया यस yes. अगर हमने सपोज नाइन थ्री टू ले लिया ठीक है सिंपल सिंपल ने नंबर्स ले रही हूँ चलो चेक करें इसके लिए नहीं भी हो सकता है आई एम नॉट श्योर लेट सी चलो नाइन अगर नाइन थ्री टू लिया तो नाइन थ्री लिया है इज बिलोंग्स टू आर और नॉट क्यों मैंने बोला क्योंकि नाइन इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री क्यूब होगा बिकॉज थ्री क्यूब क्या होता है ट्वेंटी सेवन ठीक है ये हमारा कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है ओके okay. क्या थ्री टू ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है चेक करो थ्री टू बिलोंग्स टू आर अगर हमने लिखा तो इसका क्या मतलब होना चाहिए थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू टू क्यूब दैट इज एट अरे वाह ये भी रिलेशन फुलफिल कर रहा है okay. ओके अब चेक करना है हमें नाइन एंड टू को चेक करो नाइन एंड टू अगर हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए नाइन शुड बी लेस देन इक्वल टू टू क्यूब दैट इज एट बट इट इज़ नॉट ट्रू जैसे ही इट इज़ नॉट ट्रू तो ये भी हो गया नॉट ट्रू और ये भी हो गया नॉट ट्रू और जैसे ही ये नॉट ट्रू हो गया तो क्या हो गया हमारे पास कि जो रिलेशन है दे फोर क्या कह सकते हैं कि ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यूब हैंस व्हाट वी कैन से जैसे ही ऐसे हुआ दिस शोज़ ए कमर सी डज नॉट बिलोंग टू द गिवन रिलेशन आर और जैसे ही हमने ये कंडीशन लिखा दिस शोज द रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव डन वेरी गुड सो दैट मीन्स यहाँ पे हमने जो चेक किया है तो क्या आ रहा है द रिलेशन आर इज ना इधर रिफ्लेक्सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव गॉट द आइडिया वेरी नाइस ओके बच्चो तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्स और जो दिख रहा है कि काफी ईजी है लेट सी शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ठीक है रिलेशन आ रहे यहाँ और सेट इज डिफाइंड बाई वन टू थ्री गिवन बाय रिलेशन आर को हमने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है और बहुत सा कॉम्पैक्ट सा है छोटू सा है इसमें ईजी होगा चेक करना लेट्स एज सिमेट्रिक ओके बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव ओके सीमेट्रिक है आप लोग देख के भी बता सकते हो कि हाँ सीमेट्रिक है क्यों बिकॉज सी ए बी है यहाँ पे तो बी ए भी है ठीक है अब आप बोलोगे कि वन टू थ्री वन थ्री तो नहीं है और ना ही थ्री वन है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ हम रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट जो हमारे सेट में होंगे उन सब का डबलेट है या नहीं और हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हम बस उन्हीं ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं जो कि हमारे रिलेशन में डिफाइंड होता है ये एकदम बोल्ड लेटर्स में आप लिख के याद कर लो क्या करते हैं हम रिफ्लेक्सिव में हम चेक करेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट गिवन सेट ठीक है सबके डबलेट होने चाहिए बट सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव में हम चेक करते हैं ओनली ऑन द ऑर्डर्ड पेयर गिवन इन दैट पर्टिकुलर सेट आई विल राइट हियर ठीक है ओके okay? सी मैंने आपके आपके लिए समझने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है आप इसको समझ लो और बिल्कुल याद रख लो फॉर रिफ्लेक्सिव वी चेक फॉर ऑल द डबलेट ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट के लिए हम डबलेट चेक करते हैं दैट टू टू भी होना चाहिए थ्री थ्री भी होना चाहिए उसके साथ कुछ भी और हो सकता है परफेक्ट तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा सारे एलिमेंट को चेक करेंगे जो सेट में मौजूद हैं बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं ओनली द ऑर्डर गिवन पेयर इन द रिलेशन आर हमें बाकी से मतलब नहीं है यहां पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए ना हम बस उन्हीं को फोकस करेंगे जो कि रिलेशन आर में दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या दिया है वन टू टू वन तो समझ में आ रहा है कि वन टू टू वन है तो दैट वो सिमेट्रिक होगा चलो अब हम इसका आंसर फटाफट लिख डालें आप सबको आंसर समझ में आ भी चुका होगा बट लेट सी सब लोग सॉल्व तो कर रहे हो ना ओके वेरी गुड चलो तो रिलेशन आर हमारे पास दिया है ये वन टू टू वन ठीक है मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे रिलेशन आर तो वी कैन सी यहाँ पे हमें कोई भी रोस्टर फॉर्म में दिया है तो हमें यहाँ पे सर्ट बिल्डर फॉर्म में जर्नलाइज फॉर्म में नहीं जाना है डायरेक्टली देख के हम बता सकते हैं ओके तो लेट से यहाँ पे वन वन टू टू एंड थ्री थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर समझ में आई बात क्यों लिखा डायरेक्टली क्योंकि यहां पर ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में तो आप कोई भी देख के बता सकते हो कि वन वन टू टू एंड थ्री थ्री नहीं है जैसे ये नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव डन ओके अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक क्या होना चाहिए ए बी और बी सी देखो ए बी एंड बी ए तो देख सकते हैं हम लोग अगर ये हमारा ए है ये हमारा बी है और ये हमारा बी है तो ये हमारा ए हो गया राइट तो जैसे ही ए बी और बी ए है तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे वन टू एंड टू वन बिलोंग्स टू आर दिस शोज ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कम एल्सो बिलोंग्स टू आर आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है दे आर फोर आर इज सिमेट्रिक ओके चलो ये सिमेट्रिक हो गया अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव तो चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं ठीक है ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं यहाँ पे वन टू है अब आप बताओ मुझे कि यह क्या होगा ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा कैसे चेक करें सी आप बोलोगे वन टू है टू वन है तो आप मुझे बताओ क्या वन वन है अगर ये हमारा यहाँ पे ए है ये बी है ठीक है और ये बी हो गया ऑब्वियसली टू टू है तो सेम है बी ये सी हो गया तो वेयर इज ए सी ए सी क्या होना चाहिए यहाँ पे कायदे से वन वन बट इज़ इट देयर इट इज़ नॉट देयर जैसे इट इज़ नॉट देयर तो हम क्या बोल देंगे भाई कि ए बी बी सी है बट ए सी नहीं है तो क्या बोलेंगे सेंस वन टू बिलोंग्स टू आर एंड टू वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बट वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर जैसे ये आया दिस शोज दैट द रिलेशन आर इज नॉट ट्रांसटिव समझ रहे हो ना आप सोच रहे हो क्या सीमेट्रिक और ट्रांसटिव और रिफ्लेक्सिव कर रहे हैं मैम सी ये बहुत सिंपल सा है अगर आप सोचोगे तो है ना अब आप लोगों में से मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये बहुत ही ईजी लगने लग गया है है या नहीं ठीक है देखो बस सिंपल सा फंडा है बस ए बी बस ए बी सी ही पढ़ना था हमें बचपन में है ना और उसके बाद सब समझ में आ जाता है देखो ए ए होना चाहिए तो वो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव हो गया ए बी है बी ए है तो वो हो गया हमारा सिमेट्रिक ए बी है बी सी है तो हमारा ए सी होना चाहिए तो वो हो गया हमारा ट्रांजिटिव सो ईजी इजेंट इट तो ये हो गया हमारा नॉट ट्रांजिटिव अब देखो क्वेश्चन में भी यही हमें शो करना था तो आप लिख सकते हो एक जगह पे कि हैंस वी कैन से दैट द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट देखो हमने सिमेट्रिक निकाला है इट इज सिमेट्रिक बट नाइ द रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव डन वेरी नाइस अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन लेट्स यहाँ पे हमें क्या करना है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए यहाँ पे हमने सेट को ए लिखा है ऑफ ऑल द बुक्स ओके यहाँ पे डिफरेंट सेट आया है अब आएगा मजा ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ठीक है ऑफ अ कॉलेज ओके दैट मीन सेट ए के अंदर क्या है सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी की एक कॉलेज के अंदर ठीक है ऐसा नहीं कि दुनिया के सारी लाइब्रेरी के बुक है उसमें इसमें एक पर्टिकुलर कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसके सारे बुक्स वहाँ पे रखे हुए हैं सेट ए में ओके गिवन बाय आर और आर क्या है हमारा यहाँ पे आर इक्वल टू एक्स कमर वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इन एन इज एंड इक्वेलेंस रिलेशन वेरी नाइस ये थोड़ा डिफरेंट आया है ना क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे अपने अपने कॉलेज चले जाओ अभी मत जाओ अभी पहले ये देख लो ठीक है कॉलेज में जाके आप देख लेना कि आपके लाइब्रेरी में कितने सारे बुक्स हैं आई एम श्योर कि आप लोग नहीं बताओगे मुझे क्योंकि उतने बुक्स आप लोग पढ़ोगे ही नहीं और ना ही पलट के देखोगे ठीक है हम यहाँ पे उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम करने वाले हैं उस बुक्स के पेजेस देखने वाले हैं पलट पलट के ठीक है जसभा जो अब चेक करो यहाँ पे रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ठीक है तो सेट ए क्या है हमारा यहाँ पे गिवन मैं लिख लेती हूँ ठीक है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज ठीक है अब रिलेशन आर हमारे पास क्या है एक्स कमा वाई सच दैट आर गिवेन है हमारे पास एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ओके दैट मीन्स अगर हमारे हमने यहाँ पे दो बुक सेलेक्ट सेलेक्ट की है कोई एक बुक है एक्स और दूसरा बुक है वाई तो एक्स में भी हंड्रेड पेजेस हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे वाई में भी हंड्रेड पेजेस हैं वैसे ही हमें बुक्स लिखने हैं इस रिलेशन आर में मतलब क्या हुआ इसका कि इस रिलेशन आर में सपोज मैंने एक बुक उठाई है उसका नाम है अल्फा ठीक है चलो अल्फ़ा लिखा हमारा पहला एलिमेंट हो गया और हमने दूसरी बुक उठाई जो कि साइंस की बुक थी उसमें भी हंड्रेड पेजेस ही हैं अल्फ़ा में भी हंड्रेड पेजेस है ये थी हिस्ट्री की बुक और साइंस की बुक निकाल ली वो भी थी उसका नाम है बीटा और उसके अंदर भी है हमारे पास हंड्रेड पेजेस समझ में आई बात तो दैट मीन्स इस रिलेशन में इसी टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसके हंड्रेड नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो हंड्रेड नहीं होंगे वो सेम होंगे थाउजेंड भी हो सकते हैं फाइव हंड्रेड भी थ्री थर्टी नाइन भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है बट नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए दैट्स द थिंग ठीक है अब हम चेक करेंगे इसके बारे में कि क्या ये जो है रिलेशन वो इक्वैलेंस रिलेशन है और आपको पता है कि इक्वलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना है वही तीन काम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है और जैसे ही ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं हमने कह दिया कि वो रिलेशन जो है वो इक्वेलेंस रिलेशन है डन बस तो चेक करो रिफ्लेक्सिव ठीक कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव अब तो सबको समझ में आ गया मैम अब क्या बताना आपको ठीक है चलो आप ही बता दो मुझे क्या होगा हिय एज वॉट वी कैन से एज इन एनी बुक नंबर ऑफ पेजेस आर ऑलवेज सेम कि आप क्या लिख रहे हो मैम आप बोलोगे मुझे आपके लिए लिख रही हूँ देखो सो सिंपल हियर एज इन एनी बुक नंबर ऑफ़ पेजेज आर ऑलवेज सेम दैट मीन्स अगर मैंने उस बुक को उठाया है अभी और उस बुक को फटाफट आपने ले लिया मेरे हाथ से तो ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में जाने से चार पन्ने ख़त्म हो जाएंगे उसके उस उसमें वही रहेंगे ना अगर मेरे पास जो बुक थी उसमें अगर 56 पेज थे तो आपके पास भी अगर वो बुक जाएगी तो उसमें 56 ही रहेगा और अगर हमने उन दोनों को ऑर्डर पेयर में यहाँ लिख दिया यूँ ए कमा ए तो आप मुझे बताओ दोनों के नंबरों पे जो सेम है या नहीं है तो यहाँ पे मैं ए कमा ए नहीं लिख के क्या लिखूंगी एक्स कमा एक्स क्यों बिकॉज जो हमारा ये डेफिनेशन दिया हुआ है रिलेशन का वो एक्स कमा वाई के फॉर्म में है तो जो भी फॉर्म दिया जाता है ट्राई टू राइट इन दैट फॉर्म ओनली डन तो हम क्या लिखेंगे दे x एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर बिकॉज फिर से आप लिख सकते हो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ पेजेस को इस तरह से नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स राइट डन दैट्स वाई वॉट वी कैन से जैसे ही ये कंडीशन हमारा फुलफिल होता है देयरफॉर फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया ना हमारा रिफ्लेक्शन वाला बात ठीक है क्लियर ओके okay? अब मैं लिखूंगी यहाँ पे सिमेट्रिक की बात ठीक है अब मैं चेक करने जा रही हूँ सिमेट्रिक तो इसमें क्या करना होता है ए बी एंड बी सी यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड कर लेते हैं ठीक है फॉर एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर क्या होगा हमारा नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई होगा या नहीं होगा क्योंकि इस कंडीशन में है अगर इस रिलेशन में है तो दैट मींस दोनों के नंबर सेम होने चाहिए पेजेस के तो ऑफकोर्स मैं लिख सकती हूँ ऐसे दिस शोज अगर मैं उसको उल्टा लिख दूँ तो क्या होगा ये सही जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट right में है तो राइट right वाले को लेफ्ट ले आया लेफ्ट को राइट right में भेज दिया ओके okay. ये लोग बहुत एडजस्टिंग होते हैं मैथ्स में सारे इक्वेशंस वो इधर उधर आ जाते हैं ठीक है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ़ हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स आपको पता है ना डॉट डॉट का मतलब वो सेम चीज़ें यहाँ पे आ गई डन तो इसका क्या मतलब हो गया दिस शोज दैट वाई कमा एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन R. करेक्ट तो जैसे ये बिलोंग टू रिलेशन आर हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स वाई तो था ही वाई एक्स भी आ गया तो हमारे रिलेशन को इसने बना दिया सिमेट्रिक डन अब चलते हैं हम लास्ट छोर की तरफ और वो क्या है हमारा ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव को नाउ क्या है ट्रांजिटिव में ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास चेक करने को ए बी बी सी तो ए सी चलो तो यहाँ पे हमने एक्स वाई ले लिया फॉर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर क्या होगा हमारे पास दिस शोज कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई इस वाले कंडीशन से ठीक है एंड क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेस ऑफ इस वाले कंडीशन से y विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ z तो जैसे ही ये हुआ नंबर ऑफ पेज ऑफ x विल बी इक्वल टू y और y का जो है इक्वल है z के तो इसका क्या मतलब हो गया x भी इक्वल होगा z के दैट मीन्स ये पहला वाला ये आखिरी वाला भी इक्वल होगा तो जैसे ही ये वाला इक्वल हुआ तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो देर फॉर दिस ऑल्सो भी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जेड्स व्हाट वी कैन से कि एक्स और जेड जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा दैट मींस एक्स इज रिलेटेड टू जेड देर फॉर वॉट वी कैन से रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव राइट right? जैसे ही ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव तो हम क्या कह सकते हैं हमें यहाँ पे दिखाना था कि इज एन इक्वैलेंस रिलेशन तो क्या बताया है आपको मैंने कि अब इसके बाद हम यहाँ आ जा रहे हैं ठीक है चलो मैंने कलर चेंज कर लिया है सो so दैट आपको समझ में आ जाइए हैंस वी कैन से दैट द रिलेशन आर इज एंड हैंस रिलेशन आर इज एन इक्वेलेंस रिलेशन क्यों भाई क्यों आपको पता है बिकॉज आर इज ऑल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसिटिव हैंस वी कैन से दैट रिलेशन आर इज एन इक्वेलेंस रिलेशन डन वेरी नाइस परफेक्ट तो बच्चों में उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे जो कि था हमारे रिलेशन एंड फंक्शंस का और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था तो अगर आपको समझ में आया है तो डोंट फोगेट दैट दिस इज लर्नो हब जहाँ आप सब कुछ पढ़ सकते हो फ्री में फ्री है पर बेस्ट है थैंक यू और हमारे साथ बने रहो